लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 संसदीय सीट पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजते ही वोटिंग शुरू हो गई, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इन सीट पर किस्मत आजमा रही दिग्गज नेताओं में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना, मनसुख मांडविया पोरबंदर, पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट, प्रहलाद जोशी धारवाड़ और एसपी सिंह बघेल आगरा शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 7:30 बजे अहमदाबाद के रानीप इलाके में स्थित निशान स्कूल में अपना वोट डाला। वोटिंग के बाद उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदान सामान्य दान नहीं है। इस दौरान उन्होंने जनता से रिकॉर्ड मतदान करने की भी अपील की। यह मतदान केंद्र पीएम मोदी के बड़े भाई सोमा भाई मोदी के आवास के पास स्थित है। यह मतदान केंद्र वर्षों से वोट डालने के लिए पीएम मोदी का चुना हुआ स्थान रहा है, जो हर चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस बूथ पर एक पंजीकृत मतदाता के रूप में मोदी गांधीनगर लोकसभा सीट के उम्मीदवार के लिए अपना वोट डालेंगे। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर इस सीट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह 9:15 बजे अहमदाबाद के नारनपुरा इलाके में कामेश्वर महादेव मंदिर के पास सब जोनल कार्यालय में अपना वोट डालेंगे। भाजपा के प्रमुख नेता शाह की जड़ें नारनपुरा क्षेत्र में है। शाह के साथ उनका परिवार भी शामिल होगा, जिसमें उनके बेटे जय शाह भी शामिल होंगे, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव के रूप में एक प्रमुख पद पर है। इस बीच गुजरात बीजेपी प्रमुख सीआर पाटिल नवसारी लोकसभा सीट के लिए सूरत के भटार इलाके में उमा भवन के पास नॉर्थ गुजरात स्कूल में सुबह 8:30 बजे अपना वोट डालने वाले हैं, जहां से वह उम्मीदवार हैं। मतदान के दिन पाटिल की सक्रिय भागीदारी मतदाताओं को एकजुट करने और मजबूत मतदान सुनिश्चित करने पार्टी के प्रयासों को रेखांकित करती है। चुनावी सरगर्मी बढ़ाते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर लोकसभा सीट के लिए अहमदाबाद के शिलाज प्राइमरी स्कूल में बूथ संख्या 99 पर सुबह 8:30 बजे अपना वोट डालेंगे। आपको बता दें कि पहले दो चरण में लोकसभा की 543 सीट में से 189 सीट पर मतदान हो चुका है। आज तीसरे चरण में भाजपा का बहुत कुछ दांव पर है, जिसमें पिछले आम चुनाव में गुजरात, कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में स्थित इन निर्वाचन क्षेत्रों में से अधिकतर पर जीत हासिल की थी। कुल 93 सीट के लिए इस बार 1300 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 120 महिलाएं हैं, जबकि पात्र मतदाताओं की संख्या 11 करोड़ से अधिक है। 8.39 करोड़ महिलाओं सहित कम से कम 17.24 करोड़ लोग मतदान करने के लिए पात्र होंगे और 1.85 लाख मतदान केंद्रों पर 18.5 लाख कर्मी तैनात किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में एवं दमन और दीव और मध्य प्रदेश की 9 सीट, जिनमें बैतूल भी शामिल है, जहां चुनाव टलने के बाद आज मतदान हो रहा है।